के साथ आगामी फरवरी माह में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक शामिल रहे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निवेश प्रस्ताव रखते हुए करीब 75,000 करोड़ के निवेश का MOU भी साइन किया है। दरअसल इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुंबई में आयोजित रोड शो में उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। मुंबई में उद्योग आयोजित रोड शो में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उद्योगपतियों और मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला और अन्य उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद आज घरेलू औद्योगिक घरानों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए आयोजित रोड शो के तहत सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक निजी होटल में रोड शो शुरू हुआ, और जिसके बाद करीब 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर MOU साइन किया गया। वरुण बेवरेज की तरफ से 3400 करोड़ का MOU हुआ, और साथ ही सिटी गोल्ड ग्रुप ने 3000 करोड़ का MOU साइन किया है। वहीं हल्दीराम ग्रुप ने 1310 करोड़, धर्मपाल जनपाल ग्रुप ने 900 करोड़, महेश गुप्ता आरओ ने 500 करोड़ का MOU साइन किया है। बड़े पैमाने पर 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव हमें मिला। 6 करोड़ अभी जब घरेलू रोड शो की बात आई हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसकी कमान संभाली और मुंबई से उसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, टाटा बिरला अंबानी गोदरेज और सेमी कंडक्टर से अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप, ऐसे बहुत सारे लोगों ने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव दिए।